हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज अंकित। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि रिलेटेड आपके सेमेस्टर फाइव से। जो बच्चे बीए प्रोग्राम करें दिल्ली यूनिवर्सिटी एसओएल रेगुलर से, अगर उनके कोर्स में इकोनॉमिक्स है, यानी स्किल एनहेंसमेंट कोर्स में इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स में रिसर्च मेथडोलॉजी, आज हम उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बेस्ट ऑफ लक करना चाहूँगा आपके एग्जाम के लिए। और अब शुरू करते हैं। मैंने ये क्वेश्चंस आपके लिए 15 क्वेश्चन निकाले हैं, अगर आप इनको ही आज सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, ढूंढ कर रख लेते हैं अपने पास, इसकी तैयारी कर लेते हैं, तो आप अपना इजीली एग्जाम दे सकेंगे, ओपन बुक एग्जाम, ठीक है, जो आज आपका होने वाला है। ध्यान से सुनिएगा, अच्छे क्वेश्चन हैं, वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। ये सेमेस्टर फाइव वालों के लिए है, इकोनॉमिक्स रिसर्च मेथडोलॉजी। ठीक है, शुरू करते हैं। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज रिसर्च, रिसर्च क्या है, What are the quality of good research? इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है ना। Write the difference between research methods and research methodology. इन दोनों के बीच में difference करने को भी आ सकता है, ठीक है, काफ़ी चांस है। मैंने सारे वही सिलेक्टेड क्वेश्चन डाले हैं जिनके सबसे ज़्यादा चांस है आने के, ठीक है, तो आपको इधर उधर भागना नहीं पड़ेगा। इन 15 क्वेश्चनों को तैयार कर लीजिए, इसी में से आपको 4 से 5 क्वेश्चन आपके प्रॉपर मिल जाएंगे जो आपके एग्जाम में आएंगे आज। तीसरा क्वेश्चन है, राइट द डिफरेंस बिटवीन एक्स प्लेरेटरी रिसर्च एंड डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। राइट द शॉर्ट नोट ऑन वेरियस स्टेप्स इन रिसर्च प्रपोजल। ठीक है, शॉर्ट नोट लिखना है आपको उसकी सभी स्टेप्स की, रिसर्च प्रपोजल की जितनी भी स्टेप्स हैं। वाई आर पास्ट वर्क सो इम्पॉर्टेंट। ठीक है, पास्ट वर्क क्यों इम्पॉर्टेंट है। वाट आर द वेरियस मैथड ऑफ राइटिंग द लिटरेचर रिव्यूज। लिटरेचर रिव्यूज की राइटिंग करने के ऊपर क्या इंपॉर्टेंस है। Why is review of literature is so important in a report? अगर रिपोर्ट आप तैयार करते हैं और उसमें लिटरेचर रिव्यूज डालते हैं तो उनकी क्या इंपॉर्टेंस है। What is hypothesis? Why it is so important? Hypothesis क्या है और ये क्यों इंपॉर्टेंट है। What is hypothesis? इसको इस तरह से भी दे सकता है क्वेश्चन को। What is hypothesis testing? Write its type and characteristics. What are the advantage of sampling over censor? ठीक है, वाट आर द डिफरेंस बिटवीन रैंडम एंड नॉन रैंडम सैम्पलिंग। ठीक है, आपको डिफरेंस लिखने को दे सकता है रैंडम और नॉन रैंडम सैम्पलिंग के बीच में। क्वेश्चन नंबर 12 है, वाट डू यू मीन बाय सेंसस एंड सैंपल मेथड फॉर डाटा कलेक्शन। ठीक है, वाट इज अ बिब्लियोग्राफी एंड डू यू मेक वन। क्या आप इसको एक बना सकते हैं, एक एग्जाम्पल क्रिएट कर सकते हैं, तो आप अपने एक सुटेबल एग्जाम्पल से इसको लिखें। ठीक है, वाट इज बिब्लियोग्राफी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा। वाट इज द बेनिफिट ऑफ रिसर्च एथिक्स एंड डीमेरिट्स ऑफ रिसर्च एथिक्स। ठीक है, आपको लिखना है बेनिफिट्स भी रिसर्च एथिक्स के और डीमेरिट्स भी, ठीक है, डिसएडवांटेज भी। और लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रोल ऑफ स्टेक होल्डर्स इन रिसर्च वर्क। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टेक होल्डर्स का क्या रोल है रिसर्च वर्क में। ठीक है, आई होप आपको 15 क्वेश्चन समझ आ गए होंगे जो आपको फाइंड करने हैं। आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इजीली, इस तरह से मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा रोक कर आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, आप इनका स्क्रीनशॉट लेके रखें और इनको फाइंड कर लें जल्दी से जल्दी पेपर शुरू होने से पहले, या टिक लगा के रख लें जो भी आप बुक और गाइड यूज़ कर रहे हैं उसमें। ठीक है, क्योंकि आपको डायरेक्ट इसी में से क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। ठीक है ना, और मैं जल्द ही दूसरी वीडियो के साथ आपसे फिर मिलता हूँ। जिन बच्चों का आज इकोनॉमिक्स के अलावा एजुकेशन पॉलिटी और हिस्ट्री का पेपर है, मैं उनके लिए भी जल्द से जल्द अभी वीडियो अपलोड कर देता हूँ कुछ ही देर के अंदर। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।